सामने आ रही है जहां मुख्तार की शूटर अनुज की पत्नी पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। अनुज कनौजिया की पत्नी और जीजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है। काफी दिनों से फरार था अनुज कनौजिया, मऊ के चिरैया कोर्ट के बहलोलपुर का रहने वाला है ये शूटर, और अब उसकी पत्नी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर तेलियागंज में बड़ा हादसा हो गया। गंगा नदी में नहाने गए दो युवक डूब गए। 14 साल के प्रियांशु और उसके दोस्त की तलाश लगातार जारी है। युवकों की तलाश के लिए गोताखोर लगाए गए हैं। एनडीआरएफ को भी तलाश के लिए मौके पर बुलाया गया है और अब इन युवकों को तलाशा जा रहा है, इनको ढूंढा जा रहा है। तेलियागंज में यह बड़ा हादसा हुआ जहां गंगा नदी में नहाने गए दो युवक डूब गए हैं। 14 साल का प्रियांशु है और उसका एक दोस्त है जिसकी तलाश लगातार जारी है। युवकों की तलाश के लिए गोताखोर लगाए गए हैं और साथ ही एनडीआरएफ को भी तलाश के लिए मौके पर बुलाया गया। खबर गाजियाबाद से है जहां सिद्धार्थ विहार में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एक्शन लगातार जारी है। एनजीटी ने आवास विकास परिषद गाजियाबाद पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया। प्रतीक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर भी 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एपेक्स हाइट प्राइवेट लिमिटेड 10 करोड़ का जुर्माना लगा है। इन पर गौर सनसेन प्राइवेट लिमिटेड पर भी 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको गाजियाबाद से, जहां सिद्धार्थ विहार में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अब एक्शन लिया गया है। एनजीटी ने आवास विकास परिषद पर 20 करोड़